टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रल बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड स्टेट बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लास्ट लेक्चर में हमने बेयर हाउसिंग के बारे में जानकारी ली थी बेयर हाउसिंग क्या होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है सो uh, so आप जाकर देख सकते हैं पहले की वीडियो सो so आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे सेंट्रल बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड स्टेट बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बारे में तो सबसे पहले सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एस्टेबलेशन नाइनटीन फिफ्टी में एस्टेबलिश हुआ था ये एक एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर वेयर हाउसिंग के लिए ओके सो प्रीमियम वेयर हाउसिंग एजेंसी इन इंडिया प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक वेयर हाउस ऑपरेटर्स इन द कंट्री ऑफरिंग लॉजिस्टिक सर्विसेज टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्लाइंट इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ये ना केवल स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि मेन काम है इसका बल्कि ये और ये क्या करता है ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एडवाइस प्रोवाइड करता है मार्केट इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है और इसकी रिसिप्ट से जो फार्मर है या फिर जो भी इसका कस्टमर है वो लोन भी ले सकता है ओके okay? सो so, ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से मल्टीपल सपोर्ट को ये प्रोवाइड करता है अब इसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं तो पहली एक्टिविटीज़ तो बहुत आ, बहुत सिंपल है जिसे हम सब समझ सकते हैं फूड ग्रीन बेयर हाउसेज़ यानी कि फूड ग्रीन को स्टोर करने का काम करता है इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग का भी काम करता है इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग मतलब कि जैसे कॉटन हो गया जिसे हम खा नहीं सकते पर वो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रॉ प्रोडक्ट है तो उसको स्टोरेज करने का काम करेगा या फिर अपना हो गया जैसे कि कोई भी जैसे हमारी फॉरेस्ट्री होती है उसमें बुड जाती हैं जिनसे फर्नीचर बनते हैं तो उनको भी कुछ समय तक ये स्टोर कर लेता है ओके और जूट हो गया टी हो गया कॉफ़ी हो गया इन सबको ये स्टोर करने का काम करता है जो कि इंडस्ट्रियल में जो भी कुट आते हैं उनको भी स्टोर कर सकता है कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज अब ये कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज का मतलब क्या होता है अब जैसे कि कोई भी किसी भी फार्मर ने या फिर किसी भी कस्टमर ने अपनी कॉमोडिटी किसी वेयर हाउस में रख दी तो उसमें जो एडिशनल फंक्शन है वो ये परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि पैकेजिंग कर दिया या फिर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग कर दिया टोमेटो है तो टोमेटो से कुछ और प्रोडक्ट बना दिया फिर उन्हें पैकेज कर दिया लेवल कर दिया तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उन्हें अपन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज कहते हैं मतलब कि जो रॉ प्रोडक्ट उनने स्टोर किया तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें कर दी मैनुफैक्चरिंग कर दी या फिर कुछ रीपैकेज कर दिया पैकेज कर दिया लेबलिंग कर दिया इन सबको हम क्या बोलते हैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज ओके देन कंटेनर फ्रिट स्टेशन इसका मतलब है कि जब इम्पोर्ट होके या एक्सपोर्ट होके जब गुड्स होते हैं वो वेयर हाउस में आते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है उन्हें ग्रुप्ड किया जाता है अलग अलग है या फिर जो आए उनको रीग्रुप्ड कर दिया जाता है ग्रुप से तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं कंटेनर फ्रिथ स्टेशन सो ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है फिर ए सी डब्ल्यू सी ऑल्सो ऑफर सर्विसेज इन द एरिया ऑफ क्लियर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोक्रमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस इन्फेस्टेशन सर्विसेज फ्यूमिगेशन सर्विसेज एंड अदर एंजीलरी एक्टिविटीज आई थिंक इस पॉइंट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि इसमें ऐसा कोई सब नहीं है जो कि हमें समझ में ना आए तो ये कॉमन कॉमन सर्विसेज हैं जैसे हैंडलिंग करना प्रोडक्ट को उसका ट्रांसपोर्टेशन कर देना उसको साफ कर देना फिर उसे आगे फॉरवर्ड कर देना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रोक्रूमेंट है जैसे कि गवर्नमेंट करती है ना किसानों से एमएसपी पे प्रोक्योर कर देती है उनकी िटी को फिर उसे क्या करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उन्हें फिर वो बेच देती है मंडीज में बेच देती है तो इस तरह से प्रोक्रूमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है डिसनफेस्टेशन कर सकता है कैसे अगर कीड़े पड़ रहे हैं तो उसमें डिस इन्फेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है फ्यूमिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है फ्यूमिगेशन यानी कि जो गैसियस फॉर्म में हम कीड़े मारने के लिए जो दवाइयाँ यूज करते हैं वो एंड अदर एंसिलरी एक्टिविटीज़ ओके okay, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं केवल स्टोरेज ही इसकी एक्टिविटी नहीं है सी डब्ल्यू सी ऑल्सो ऑफर कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और कंसल्टेंसी सर्विसेज ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि अभी सी डब्ल्यू सी की वेकेंसीज आई हैं उसमें ट्रेनर्स की पोस्ट आई है तो वो क्या करते हैं वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं अब हम जाएंगे हम ट्रेनिंग के रूप में जाएंगे जैसे कि जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सी डब्ल्यू सी का वो किस फॉर्म में जाएंगे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले तो वो ट्रेनिंग के फॉर्म में जाएंगे तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग के फॉर्म में जाएंगे तो फिर उन्हें क्या पहले वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग करेंगे वहाँ जाके ओके तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सी डब्ल्यू सी का क्या फंक्शन होता है ओके इन्फ्रास्ट्रक्चर टू डिफरेंट एजेंसीज ओके अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस ये तो एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करता है अब ये फंक्शंस आ गया इसका टू एक्वायर एंड बिल्ड गोडाउंस एंड वेयर हाउसेज आर सुटेबल प्लेसेज इन इंडिया अब यह क्या करता है गोडाउंस को एक्वायर कर देता है जो कि किसी प्राइवेट कॉम किसी प्राइवेट एंटिटी का कोई गोदाउन है तो उसको ये एक्वायर कर देगा और उसे सरकारी बना देगा या फिर किसी अच्छी जगह जहाँ पर जरूरत है बेयर हाउस की वहाँ पर बेयर हाउस बिल्ड कर देता है टू रन बेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीड्स फर्टिलाइजर एंड नोटिफाइड कॉमोडिटीज फॉर इंडिविजुअल्स कॉपरेटिव एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर परचेज सेल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द एबाउ कमोडिटी तो ये गवर्नमेंट एजेंट की तरह भी काम कर सकता है किसके लिए खरीदने के लिए बेचने के लिए स्टोर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओके टू अरेंज फैसिलिटीज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अबाउट कमोडिटी टू सब्सक्राइब टू द सीयर कैपिटल ऑफ एस डब्ल्यू सी यानी कि ये जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है उनको भी ये फंड करता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सी डब्ल्यू सी का वन स्टू वन में वो होता है जैसे कि हमने आर आर बी में पढ़ा था रीजनल रूरल बैंक में कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक जो कि कौन से होते थे कॉमर्शियल बैंक तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था वो कितना होता था फिफ्टी रेशियो फिफ्टीन रेशियो थर्टी फाइव इतना ही था ना हाँ सो so, एक बार और आप कंफर्म कर लेना तो इसी तरह से इसमें क्या होता है कितना आ, कितना परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए एस डब्ल्यू सी में तो इनका जो रेशियो होता है ना वो बन इस टू बन का होता है यानी कि बन करेगा कौन सी डब्ल्यू सी और बन करेगा स्टेट गवर्नमेंट तो इस तरह से फंडिंग की जाती है आई एस और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी जब सी था तो ये वही बात है डिसेंट्रलाइज कर देना ताकि ये अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर सके क्योंकि सी पूरे इंडिया पर नज़र नहीं रख सकता इसलिए उसने क्या बनाए स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाए ताकि वो अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सके पर्टिकुलर स्टेट में ओके सो स्टेट बियर हाउसिंग कॉरपोरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं बस आपको ये पता कर लेना है कि स्टेट बियर हाउसिंग कॉरपोरेशन पहला कब बना था तो ये 1958 में वेस्ट बंगाल में बना था कौन से एक्ट के अंदर बना था बियर हाउसिंग एक्ट 1962 के अंदर बना था सॉरी ये जो एक्ट है ना ये बाद में आया था पर पहले ये बन चुका था फिर उसके बाद एक ज़रूरत हुई कि हमें इसे ऑटोनॉमस बॉडी बनाना चाहिए इसलिए फिर बाद में ये बियर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बियर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट पास कर दिया था 1962 में लेकिन जब ये बना था जब इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं हुआ था यानी कि पूरी तरह से एक अंदर था सी के अंदर था फिर इसके लिए एक एक्ट पास हुआ नाइनटीन में फिर इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि इसका एक्ट बाद में आया और ये पहली बन गया तो इसमें यही रीजन है ओके अब देखते हैं स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो मेन चीजें वो यही थी कि उसमें सी डब्ल्यू सी और स्टेट गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है स्पॉन्सरशिप में तो वन रेशियो वन का होता है ओके और आपको क्या करना है कि, कि किसी भी स्टेट का स्टेट वेयर हाउसिंग के बारे में जानकारी ले, ले लेना आ, तो आपको लिखने में आसानी होगी वैसे जितना मैंने पढ़ा है वो उतना सफिशियंट है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग